आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं टॉपिक कॉम्बिनेशनल सर्किट एंड सीक्वेंशियल सर्किट के बारे में। पहले इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे और इसके बाद फिर इसमें देखेंगे क्या क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया तो डिफरेंसेस आपको याद करने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात कहना चाहूंगी, अगर वीडियो अच्छा लगता है आपको तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कंप्यूटर आर्किटेक्चर की प्लेलिस्ट आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, तो चैनल नेम पर क्लिक करते हुए आप प्लेलिस्ट पर जाकर कंप्यूटर आर्किटेक्चर की पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहले हम देखेंगे कॉम्बिनेशनल सर्किट किसे कहते हैं, उसके बाद हम समझेंगे सीक्वेंशियल सर्किट किसे कहते हैं, राइट। तो कॉम्बिनेशनल सर्किट, जैसा कि आपको नाम से समझ में आ रहा है, कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन होगा और उसके बेसिस पे हमें आउटपुट मिलेगा। जो हमारा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक है या कंप्यूटर आर्किटेक्चर है जो हम काम परफॉर्म करते हैं, इसके पहले अगर आपने मेरे वीडियो नहीं देखे हैं लॉजिक गेट वगैरह के, तो जल्दी से जाकर उसको देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आप सिक्वेंशियली देखते हैं तो आपको पूरा जो आर्किटेक्चर है या कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन जो पूरा सब्जेक्ट है आपको अच्छे से समझ में आते जाएगा। जो हमारा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है वो ग्रुप ऑफ लॉजिक गेट्स, ट्रांजिस्टर वगैरह से जो इम्प्लीमेंट होते हैं, उसके द्वारा हमारे जो कंप्यूटर से हमें काम कराना होते हैं उसके लिए सर्किट डिज़ाइन किए जाते हैं, और उन सर्किट में हम जो है लॉजिक गेट का यूज़ करते हैं, फ्लिप फ्लॉप का यूज़ करते हैं। फ्लिप फ्लॉप जो है वो स्टोरेज एलिमेंट का काम करता है। इसके आगे आने वाले लेक्चर में हम फ्लिप फ्लॉप को डिटेल में समझेंगे, और जो हमारे लॉजिक गेट हैं उनको हम समझ चुके हैं। तो लॉजिक गेट का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको ग्रुप करके एक सर्किट डिज़ाइन किया जाता है, उसको कॉम्बाइन करके एक सर्किट डिज़ाइन किया जाता है जो हमें हमें डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करके देता है। जैसे हमें बाइनरी एडिशन करना है, बाइनरी सब्ट्रैक्शन करना है, कुछ सिग्नल्स को जो है मल्टीप्लेक्स करना है, डिकोड करना है, तो इस तरीके के जब हमें काम करवाने होते हैं तो हम कॉम्बिनेशनल सर्किट का यूज़ करते हैं। कॉम्बिनेशनल सर्किट ऐसे सर्किट होते हैं जो कि ग्रुप ऑफ इनपुट लेकर कुछ ना कुछ आउटपुट जनरेट करते हैं। इसमें कोई स्टोरेज एलिमेंट एम्प्लॉयड नहीं होता है, इसको हम फीडबैक नहीं दे सकते हैं। बस हमें जैसे हमें एडिशन कराना है तो एडिशन में हम नंबर ऑफ बिट्स देंगे, मतलब हमारे जो सिग्नल्स हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया ही है, जो हमारे नंबर ऑफ बिट्स होते हैं 1 और 0, वो हमारे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में और ऑन और ऑफ की कंडीशन होते हैं। तो जो भी हम वैल्यू इनपुट में देंगे उसके कॉम्बिनेशन में आउटपुट जनरेट होगा, और इनको जनरेट करने के लिए हम क्या करते हैं, लॉजिक गेट को ग्रुप करते हैं। हम कॉम्बिनेशनल सर्किट की बात करें तो कॉम्बिनेशनल सर्किट का ब्लॉक डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। यहाँ पर हो जाएंगे नंबर ऑफ इनपुट, जैसे सपोज आपका एन इनपुट है, ठीक है, और ये होगा आपका कॉम्बिनेशनल सर्किट जो कि इंटरकनेक्टेड गेट्स रहेंगे। और यहाँ मिलेगा आपको आउटपुट, तो जितने भी आपके इनपुट रहेंगे उतने नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन के लिए, सपोज आपके 2 इनपुट हैं तो 2 to the 4 कॉम्बिनेशन के लिए 0001 1011 के लिए आपको एक पर्टिकुलर आउटपुट 0 और 1 के फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। तो कॉम्बिनेशनल सर्किट में हम वापस आउटपुट को यहाँ इस तरीके से नहीं भेजते हैं जैसा कि हम सीक्वेंशियल सर्किट में कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ आपको इनपुट देना है। आपको लॉजिक गेट का जो कॉन्सेप्ट है, डिफरेंट डिफरेंट लॉजिक गेट को कनेक्ट करते हुए आपको रिक्वायर्ड आउटपुट यहाँ पे जनरेट होगा, तो वो कॉम्बिनेशनल सर्किट कहलाते हैं। तो ईजी है, सिंपल है कॉम्बिनेशनल सर्किट का इम्प्लीमेंटेशन, बहुत ज़्यादा टफ नहीं होगा, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होगा। इसमें ये बात आपको ध्यान देना है कि इसमें जो आउटपुट है वो सिर्फ इनपुट के कॉम्बिनेशन पे डिपेंड करेगा, ना कि जो प्रीवियस स्टेट है या फिर और कोई जैसे क्लॉक पल्सेस हैं उसमें, इसमें क्लॉक पल्सेस वगैरह की, स्टोरेज एलिमेंट वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। अगर हम सिक्वेंशियल सर्किट की बात करें, तो सीक्वेंशियल सर्किट का ब्लॉक डायग्राम आपको इस तरीके से मिलेगा। यहाँ हो जाएगा सीक्वेंशियल सर्किट, ये है इनपुट आपके, ठीक है, नंबर ऑफ इनपुट, ये है आउटपुट आपका, और फिर आउटपुट को आप एक स्टोरेज यहाँ पे आप लगा देंगे फ्लिप फ्लॉप, और फिर आप इसे वापस इनपुट में दे पाएंगे, ठीक है। तो ये होते हैं सीक्वेंशियल सर्किट, जिसमें कि एक
स्टोरेज एलिमेंट जनरली फ्लिप फ्लॉप का यूज करते हुए. स्टोरेज एलिमेंट क्यों? क्योंकि हमें जो प्रीवियस स्टेट है उसका भी इफेक्ट देखना है इनपुट कॉम्बिनेशन के साथ. जो नया आउटपुट आने वाला है, जो नई स्टेट आने वाली है, वो डिपेंड करेगी इनपुट कॉम्बिनेशन प्लस जो इसके पहले वाली स्टेट थी उसके कॉम्बिनेशन पे. तो ये कहलाता है सीक्वेंशियल सर्किट. इसमें क्लॉक पल्सेस का यूज किया जाता है सिंक्रोनाइजेशन के लिए, क्योंकि ये जो हमारा फ्लिप फ्लॉप है या जो मेमोरी एलिमेंट है उसको हम क्या करते हैं, किसी विशेष क्लॉक पल्स में जैसे हाई या लो में ही एक्टिव रखते हैं उसको, मतलब उसमें स्टोरेज एलिमेंट को एक्टिव रखते हैं. ठीक है, तो जब हम फ्लिप फ्लॉप पढ़ेंगे तो और भी अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा. अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि जो कॉम्बिनेशनल सर्किट है वो सिर्फ इनपुट कॉम्बिनेशन, उसका जो आउटपुट है वो सिर्फ इनपुट कॉम्बिनेशन पे डिपेंड करेगा और किसी भी तरीके का यहाँ फीडबैक नहीं दिया जाएगा. कोई मेमोरी एलिमेंट या कोई क्लॉक पल्सेस इसमें नहीं होंगी. जबकि जो सीक्वेंशियल सर्किट है उसमें हम फीडबैक देंगे, जो हमारा आउटपुट होगा उसको हम एक मेमोरी में स्टोर करेंगे और वापस फिर इनपुट में इम्प्लॉय करेंगे और इसमें क्लॉक पल्सेस का भी यूज किया जाता है. ठीक है, ये ध्यान रखिए कि इसमें क्लॉक पल्सेस का यूज किया जाता है इसको सिंक्रोनाइज वे में ऑपरेट करने के लिए. जो कॉम्बिनेशनल सर्किट है वो जनरली यूज किए जाएंगे एडिशन में, एडर, सबट्रैक्टर, आपका जो हो गया जिसमें कि आपको स्टोर नहीं करना है, मल्टीप्लेक्सर, डी मल्टीप्लेक्सर, डिकोडर, इस तरीके के एग्जांपल आप कॉम्बिनेशनल सर्किट में मेंशन कर सकते हैं. और जो सीक्वेंशियल सर्किट हैं जिसमें कि आपको कोई ना कोई इस तरीके का लॉजिक जब आप लगा रहे हैं कि आपको प्रीवियस स्टेट स्टोर करके रखना है, जैसे रजिस्टर वगैरह में स्टोरेज होता है, काउंटर में होता है, तो रजिस्टर काउंटर को आप किस में मेंशन कर सकते हैं, सीक्वेंशियल सर्किट में मेंशन कर सकते हैं. अब हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया, अब हम इसको लाइन बाय लाइन जो इसका डिफरेंस है वो भी यहाँ पर देखते हैं. हमने जितने भी कॉन्सेप्ट में समझा था उसको एज अ डिफरेंस यहाँ पर लिख लिया है, क्योंकि आपको क्वेश्चंस आ जाते हैं कभी कभी थ्योरी में कि डिफरेंस बिटवीन कॉम्बिनेशनल एंड सीक्वेंशियल सर्किट. सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन में ही उसका डिफरेंस मेंशन कर रहे हैं. कॉम्बिनेशनल सर्किट इज द टाइप ऑफ सर्किट इन विच आउटपुट इज ओनली डिपेंड्स ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स. ऐसा सर्किट जो इसका कि आउटपुट सिर्फ उसके कॉम्बिनेशन, जो इनपुट आपने दिए उसके कॉम्बिनेशन पर डिपेंड करता है, वो कॉम्बिनेशनल सर्किट कहा जाता है या कहलाता है. सीक्वेंशियल सर्किट इज द टाइप ऑफ सर्किट इन विच आउटपुट इज डिपेंड्स ऑन प्रेजेंट इनपुट एज वेल एज प्रीवियस आउटपुट. जो पुरानी उसकी स्टेट होती है या प्रीवियस आउटपुट जिसे हम कह रहे हैं उस पर डिपेंड करता है. ब्लॉक डायग्राम आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं कि इस तरीके से ये इनपुट है, कॉम्बिनेशनल सर्किट यहाँ हो गया और ये आउटपुट, इसमें कोई भी फीडबैक नहीं दिया गया है. जबकि यहाँ पर इनपुट है कॉम्बिनेशनल सर्किट प्लस फ्लिप फ्लॉप एज अ स्टोरेज एलिमेंट. यहाँ पे मेमोरी यूज की जा रही है, फ्लिप फ्लॉप एज अ स्टोरेज एलिमेंट, और फिर ये फीडबैक कहाँ दिया जा रहा है, वापस इनपुट में. ठीक है, तो इससे जो हमारा आउटपुट है वो डिपेंड कर रहा है क्लॉक पल्स प्लस स्टोरेज एलिमेंट प्लस इनपुट्स. ठीक है, तो ये आप मेंशन कर सकते हैं ब्लॉक डायग्राम बना के. फिर नो फीडबैक इज रिक्वायर्ड फॉर नेक्स्ट आउटपुट. यहाँ पर हमें जो नेक्स्ट स्टेट मिलने वाली है या नेक्स्ट आउटपुट जो हमारा मिलने वाला है उसमें किसी भी तरीके की फीडबैक की आवश्यकता नहीं है, जबकि यहाँ पे हमें प्रीवियस स्टेट का फीडबैक देना पड़ता है. लेस कॉम्प्लेक्स बिकॉज नो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फीडबैक एलिमेंट. अगर हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन की बात करें, इसकी डिजाइनिंग की बात करें, क्योंकि यहाँ पे सिंपल वे में काम हो रहा है तो सिंपल तरीके से इसका इम्प्लीमेंटेशन किया जा सकता है, कॉम्प्लेक्सिटी कम होगी. जबकि यहाँ पर हमें स्टोरेज एलिमेंट एम्प्लॉय करना है तो वहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होगी, मोर कॉम्प्लेक्स सिंस रिक्वायर्ड टू स्टोर प्रीवियस स्टेट. यहाँ पे जो बेसिक एलिमेंट हैं इसको बनाने के लिए वो हो जाएंगे लॉजिक गेट्स, और इसका एग्जांपल आप लिख सकते हैं एडर, सबट्रैक्टर, डिकोडर, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर. जिसमें भी फ्लिप फ्लॉप यूज नहीं हो रहा है वो सब कॉम्बिनेशनल सर्किट में आएंगे, और जिसमें फ्लिप फ्लॉप यूज होता है जैसे कि रजिस्टर, काउंटर, वो सब किस में आ जाएंगे, सीक्वेंशियल सर्किट में आ जाएंगे. तो इसमें लॉजिक गेट प्लस फ्लिप फ्लॉप यूज होगा और इसमें ओनली लॉजिक गेट ही यूज होगा. तो इस वीडियो में हमने देख लिया कि कॉम्बिनेशनल सर्किट और सीक्वेंशियल सर्किट क्या होते हैं, बेसिक डिफरेंस हम इसमें क्या क्या मेंशन कर सकते हैं. मुझे लगता है कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा. तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर देना है. इसके नोट्स के लिए अगर आप चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी उस पर हमसे कनेक्ट हो सकते हैं. और अगर आप पढ़ते पढ़ते जॉब चाहते हैं तो हमारा एक नया चैनल है जॉब अलर्ट विद ज़ीनत हसन, उस पर आप हमसे जुड़ सकते हैं. तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय.